बिग बिलियन डे सेल करीब आ रही है, तो सोच रहे तुम लोगों को कुछ अच्छे से गैजेट्स दिला दिए जाएं ताकि साल दो साल तक याद तो करो कि हाँ इन्होंने सजेस्ट किया था तभी अच्छे चल रहे हैं। ऐसी वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि कम से कम अगर प्लान कर रहे हो कुछ अच्छे एयरफोन्स या कुछ अच्छे गैजेट्स खरीदने का, तो तुम लोग का कुछ भला हो जाए, तुम भी याद करो अगले एक दो साल तक के कि हाँ भाई ने सजेस्ट किया था तभी हमने ये चीजें खरीदी। आज की वीडियो स्पेशली नेक बैंड्स पे है और सस्ते नेक बैंड्स, जो मतलब आपके 1 से 2 हजार के बीच के नेक बैंड्स एयरफोन्स हैं। और उनके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि कभी भी एयरफोन्स लेना हो तो उनसे पहले कुछ चीजें देखी जाती हैं, अगर स्पेशली ब्लूटूथ एयरफोन्स हो, कि उसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, उसमें क्या क्या फीचर्स वो लोग दे रहे हैं, और तीसरी चीज प्राइस। ऑफ कोर्स प्राइस एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है, और आपका एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट होती है कि उसकी कनेक्टिविटी कितनी लंबी है, कि मतलब कितनी डिस्टेंस तक के वो कनेक्ट करेगा, और उसकी चार्जिंग कितनी लंबी चलती है। सो ये सब चीजें लेकर ये पांचों नेक बैंड्स आपके सामने है। और भी कई वीडियोस हम लोग इस चैनल पे लेकर आ रहे हैं, तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, अगर सही मोबाइल टाइम से पहले पता चल गया तो आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले ही गैजेट खरीद लोगे। सबसे पहले बोट के रॉकर्स 255 Pro Plus से स्टार्ट करते हैं। ये एयरफोन के साथ एक चीज अच्छी है कि इसका बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा है, एक चार्ज पे आराम से 40 घंटे का बैकअप देता है, और इसमें साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और अगर आपने 10 मिनट के लिए चार्जिंग पे लगा दिया अपने नेक बैंड एयरफोन्स को, तो ये 10 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। प्राइसेस को देखते हुए, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का ये होता है कि कभी कभी बजट थोड़ा सा टाइट रहेगा, अगर बजट बहुत ज्यादा टाइट है तो ये वाला एयरफोन देख सकते हो, ये मतलब 1300 रुपए में आपको मिल जाता है। एमआरपी इसकी वैसे ज्यादा थी जब आया था, ये 3999 का हुआ करता था, मगर अभी ये 1299 रुपए का है। अगर 1500 रुपए का बजट है, Realme Buds Wireless 2S ले सकते हो, ये 1499 रुपए का आता है। ये भी एक नेक बैंड है और इसमें डुअल डिवाइस स्विचिंग भी है, कि मतलब दो डिवाइसेस से एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स जिनके बारे में बताने जा रहा हूँ, ये वर्थ फॉर मनी है। अब इसके फीचर्स देख लो, सबसे पहले इसके बेस पे आ जाते हैं। इसका बेस बहुत ज्यादा पंची है, मतलब वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर और बहुत ज्यादा अच्छे बेस के साथ आती है। और इसमें वो फीचर भी है जिससे जब आप गेम्स खेलते हो तो आप देखते हो ना कि जो भी गेम्स में आप खेल लेते हो, कोई भी आप नॉर्मल ब्लूटूथ लगाए हो, कोई हल्का सस्ता ब्लूटूथ लगाए हो, तो उसमें जो है आवाज फौरन नहीं आती, जैसे लगता है कि गेम थोड़ा आगे चल रहा है, आवाज थोड़ी पीछे चल रही है, मगर इसमें वो चीज बहुत ज्यादा सही है। आप जो गेम चल रहा होगा सेम एग्जैक्ट आवाज फौरन उस वक्त आती है। और इसमें ENC भी है, मतलब जो बाहर की एनवायरमेंट की जो आवाज होती है ना, वो चीज जब आप ये अगर इसमें ENC मोड ऑन है आपका, आपको बाहर की आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर वो बाहर की आवाजें हो भी रही है तो आपको आप जो साउंड सुन रहे हो वो बहुत क्लियर आएगा। इसमें ये नेक बैंड्स आपको 20 मिनट के चार्ज पे 7 घंटे का प्लेबैक टाइम देते हैं। हाँ, प्लेबैक टाइम इसका कम है, मगर अगर फुल चार्ज किया हुआ है आपने तो प्रॉपर एक दिन चलते हैं 24 घंटा। एक स्टेप ऊपर 1800 रुपए के बजट पे आते हैं। इसमें जो हमारा नेक बैंड आता है वो है ओप्पो एनको M32। सबसे पहले एक चीज, ये ओप्पो का नेक बैंड आपका 10 मिनट के चार्ज पे 20 घंटे का प्लेबैक टाइम, समझ रहे हो, मतलब सिर्फ आपने लगाया 10 मिनट, 10 मिनट में 20 घंटा, काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा। और इसमें 28 आवर्स की बैटरी लाइफ है और सिर्फ 35 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। इसकी भी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और बहुत पंची आवाज इसमें भी आती है। यहाँ इन नेकबैंड में भी हमको डुअल डिवाइस स्विच मिल जाता है, कि मतलब दो डिवाइस से एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी रिस्पॉन्सिव होगी, अभी कॉल आ रही है, अभी आपका लैपटॉप से कनेक्टेड एकदम से कॉल आ रही है, तो आप अगर वो पहने हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये कॉल कनेक्ट हो जाएगा उसमें, तो ये चीज डुअल डिवाइस स्विच आपका इसमें भी है। और अगर प्राइसेस की बात करें तो ये आया तो 2999 रुपए का था, मगर ये इस बिग बिलियन डे सेल पे ये नेकबैंड 1799 रुपए के मिल रहे हैं। अब फोर्थ नेकबैंड पे आते हैं, ये है तो 2000 रुपए की रेंज का, 1999 रुपए का है, मगर ये वन ऑफ द बेस्ट, क्या मतलब ये भी जो भी लिस्ट है, इस लिस्ट में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा अगर है तो वो यही है। कई अच्छे फीचर्स के साथ आता है और इस बजट को देखते हुए अगर 2000 रुपए का भी आप एयरफोन देख रहे हो तो उस बजट के हिसाब से भी ये काफी ज्यादा फीचर्स लोडेड है। ये एयरबोड्स आपके बोट रॉकर्स 333 है। इसकी साउंड क्वालिटी इस बजट के सारे एयरबड्स या एयरफोन्स को आप देखो तो उससे काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें 13 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स लगे हुए हैं जो कि इस बजट में नहीं आते। आपके नेकबैंड पे एक बटन होता है जिसको आप जैसे ही डबल टैप करोगे तो ये आपका क्रिस्टल बायोनिक साउंड पे स्विच कर जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड साउंड है। मतलब आप ये कह लो कि इसमें बेस बहुत ज्यादा है, क्लियरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी इन एयरफोन्स में है, मतलब कभी आप कभी ट्रैफिक में चल रहे हो या आप कहीं भी ऐसी जगह बैठे हो जहां बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो यूं करके ऐसे गायब होगी जैसे ही आप एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मोड पे आप स्विच करोगे, कि जैसे लगेगा नहीं कि बाहर कोई बैठा भी है। ANC की मेजॉरिटी लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है, मेजॉरिटी के हर किसी को जरूरत पड़ती है कई जगहों पर, ये होना एयरफोन्स में जरूरी है, और अगर है इस प्राइस बजट में तो अच्छी बात है। इसकी MRP वैसे तो 4990 रुपए है, मगर ये इस बिग बिलियन डे सेल पे 1999 रुपए का मिलेगा। इसकी बैटरी 10 मिनट के चार्ज पे 5 घंटे का बैटरी बैकअप देती है।
देखो अभी बाकी हम लोगों ने देख लिए हैं एयरफोन, तो उसके हिसाब से कम लग रहा होगा, मगर इंडिविजुअली निकाल के देखो कि 10 मिनट तुमने चार्ज किया है, 5 घंटे का बैटरी बैकअप काफी होता ही है, और ये फुल चार्ज पे आपका 24 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि असल में ये बिग बिलियन डे सेल वाले प्राइसेस है ही नहीं, ऊपर तक जितने भी प्राइसेस बताए हैं ये अभी के प्रोडक्ट प्राइसेस हैं। बिग बिलियन डे सेल पे हो सकता है इन प्राइसेस से और कम में ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएं, मतलब ये मिनिमम प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस पे आप कभी भी खरीद सकते हो, मगर बिग बिलियन डे पे अगर ये और कम होते हैं तो आप ये नेक बैंड के साथ अपने बजट के हिसाब से आप जा सकते हो। अब हम लोग फिफ्थ नेक बैंड पे आते हैं। ये नेक बैंड की साउंड क्वालिटी वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत क्लियर, बेस बहुत साफ है, मतलब एकदम वाला बेस नहीं है कि जो सर में दर्द कर देता है, बहुत अच्छा जो जिसको कहते हैं वो चीज ये है। इसका नाम OnePlus Bullet Wireless Z2 है। ये नेकबैंड 10 मिनट के चार्ज पे 20 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं और फुल चार्ज पे 30 घंटे का। मैंने बेस के बारे में इसके बताया आपको, इसका बेस बहुत ज्यादा हाई नहीं है और मीडियम भी नहीं है, मतलब आप कह सकते हो मीडियम और हाई के बीच का बेस है, जो एक ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एक बहुत बेहतर चीज है। इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और कॉल नॉइस कैंसिलेशन भी है, कि मतलब अगर आप कॉल पे भी बात कर रहे हो, जैसे ही आपकी कॉल आती है तो ऑटोमेटिकली बाहर की आवाजें जो होती हैं वो एकदम से ऐसा कर देता है कि सिर्फ आपको कॉल की आवाज सुनाई देगी। इसके साथ साथ इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है और इसका वेट काफी ज्यादा लाइट है। ये भी आपका सेम प्राइसेस पे आता है, 1999 रुपए का। इसकी एमआरपी जो पहले हुआ करती थी वो 2299 रुपए हुआ करता था, जो कि बहुत बड़ा चेंज नहीं है, मगर प्राइस को देखते हुए, इन ईयरफोन्स को देखते हुए, ये वाला ईयरफोन और बोट का रॉकर्स 333 ये दोनों बहुत अच्छे ईयरफोन्स हैं। आप इन दोनों में अगर आपको कोई समझ में आ रहा हो तो आप, और बजट आपका ये 2000 तक का है, तो आप इन दोनों में से कोई सा एक सेलेक्ट कर सकते हो अच्छे ईयरफोन। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो, और आप जो ये वाली वीडियो देख रहे हो इसमें वायरलेस ब्लूटूथ 5000 की रेंज के अंदर बहुत अच्छे, जो अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। तो स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब कर लेना अगर करा नहीं हो, उसके बाद वीडियो देखना।